हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस भाग की श्रृंखला में आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं देखिए ये जो भाग की श्रृंखला बनी है इसका हर एक डिवीजन का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेकंड क्लास से लेकर के और आप जहां तक की भी तैयारी करेंगे आप एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव लेवल की भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जितने भी प्रकार के भाग देखने को मिलेंगे वो सब प्रकार के भाग मैं कवर कर दूंगा हर एक वीडियो में कुछ नया बताया जाता है तो इस वीडियो में क्या खास है इसमें देखेंगे कि आप इतने बड़े भाग को हम लोगों को देना है तो इसको हम लोग कैसे देंगे तो ये हम लोग आज की क्लास में समझेंगे इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस और भी है वो आप लोग समझ लीजिए कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के हैं यानी जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं और जिनको आप लोग जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मैंने एक सेकेंड चैनल बनाया है ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने देखा कमेंट बॉक्स में कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर अगर ये इंग्लिश में होता तो अच्छा होता तो इसलिए मैंने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक इंग्लिश मीडियम चैनल क्रिएट किया है जहां पर मैथ को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा फ्रेंड्स आई हैर्न मैथ फॉर द टाइप ऑफ स्टूडेंट हु ओनली अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज सो इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देन श्योरली दैट चैनल विल बी यूजफुल फॉर यू टू लर्न मैथ फ्रॉम द बिगिनिंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं देखिए इस प्रश्न को हम लोग बिना किसी पहाड़े के करेंगे यानी नौ एक कम नौ भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसको कैसे करेंगे इतना बड़ा पहाड़ा है देखिए इसको आप लोग देखते ही कर पाओगे इसके पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मिस मत करिएगा जितना मैं समझा रहा हूँ आप उतना बस समझते चलिए ठीक है विश्वास रखिए आपको हंड्रेड गारंटी है मैथ बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे देखिए जैसा जितने नौ लिखे हो देखिए पहला कॉन्सेप्ट समझिए Osionfish. जितने नौ लिखे हों जितने भी यहाँ पर नौ लिखे हों उसका दो गुना यहाँ पर लिखे होने चाहिए भाज्य में भाजक में जितने नौ लिखे हैं उसका दो गुना आपके किस में लिखे होने चाहिए भाज्य में लिखे होने चाहिए जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर कितने नौ हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ एक और दो दो नौ हैं यहाँ पर और यहाँ कितने नौ हैं एक दो तीन चार यहाँ चार नौ हैं तो रूल ये है कि जितने नौ यहाँ पर होंगे उसका दो गुना यहां पर होंगे ये इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है ना एग्जाम में तो कैलकुलेशन जब करना पड़ जाता है तो आपको बड़ा लेंदी लगता है जबकि विद इन सेकेंड का क्वेश्चन होता है तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को समझ लें तो हम बहुत आसान तरीके से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे अब देखिए यहां पर क्या है यहां पर भी वही चीजें एक दो तीन तीन नौ है ना और यहाँ पर कितने नौ है एक दो तीन चार पाँच छः तो बस यही कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ये है और इससे रिलेट करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है तो कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी भाजक में नौ होते हैं उसका दो गुना यहां पर लिखे होंगे जितने भाजक में नौ होते हैं उसका दो गुना भाज्य में लिखे होंगे अब देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है तो फिर इसको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं कैसे आपको बस करना क्या होता है आपको बस एक लिखना है इधर और एक लिखना है इधर ठीक है और भाजक में जितने भी नौ थे उससे एक कम भाजक में जितने भी नौ थे उससे एक कम जीरो इन दोनों के बीच में लिखा जाता है जैसे इसमें कितने नौ है तो आप कहेंगे सर इसमें दो नौ है तो एक नौ काट दीजिए ठीक है तो कितना बचा एक एक ही नौ बचे ना तो जितने नौ हो उससे एक कम एक ही नौ बचा ना तो एक जीरो बीच में लगा देते हैं तो इसका आंसर ये आ जाएगा इसका जो भागफल आएगा वो क्या होगा एक सौ एक होगा आप चाहे तो भाग करके भी चेक कर सकते हैं इसको देखते हैं देखिए मैंने क्या बोला पहले एक लिखिए और बाद में एक लिखिए ठीक और अब जितने भाजक में नौ हो उससे एक कम करके जीरो बीच में लिखना होता है तो कितने नौ है एक दो तीन तीन नौ है ना तो एक कम करके कितने बचे एक दो तो दो जीरो बीच में लिख दीजिए बात समझ में आई तो इसका जो भागफल होगा वो क्या होगा इसका भागफल होगा आपका एक हजार एक आप चाहे तो भाग करके देख सकते हैं तो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझिएगा जरा मैंने लिख दिया है इसीलिए आपको ताकि याद रहे देखिए पहली चीज क्या है? आपको चेक करनी है कि भाजक यानी डिवीज़र में जितने नौ होंगे उसका दो गुना भाज यानी डिविडेंड में होने चाहिए ठीक है ये चीज आप पहले चेक कर लीजिए अगर आपने ये चीज चेक कर ली और इस प्रकार का प्रश्न है तो आपको करने की जरूरत नहीं है कैसे करेंगे भाग फल में यानी कोशंट में आगे और पीछे एक लिख कर देखिए आगे और पीछे एक लिख कर जितने भाजक में नौ है देखिए जितने भाजक में नौ है उससे एक कम करके उससे देखिए एक कम करके उतने जीरो दोनों एक के बीच लगा देते हैं उतने ही जीरो हमने दोनों एक के बीच लगा दिए एक कम किया दो बचे तो दो जीरो बीच में लगा दिया इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए अब देखिए हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं और इतना बड़ा प्रश्न आप लोग खुद चुटकियों में कर देंगे देखिए यहां पर यहां पर मैंने क्या बोला था सबसे पहले आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिए कि जितने नौ यहां होंगे उसका दो गुना यहां पर होंगे इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर बना करके देता है है क्योंकि उसको पता है कि लगेगा इसलिए कैलकुलेशन छोटा होगा और जो लड़का नहीं जानता है वो कैलकुलेशन को बढ़ा करके करता है और वही एग्जाम में फेल होता है देखिए अब यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस यहाँ पर दस है ना और यहाँ देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सो सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस यानी जितने यहाँ हैं उसका दो गुना यहाँ लिखा है तो बस आंसर आपका क्या हो गया पहले एक लिखा बाद में एक लिखा और कितने थे यहां तो आपने कहा सर यहाँ पर दस नौ लिखे हैं तो बस एक कम करके एक कम कर दोगे तो कितना बचेगा तो आप कहेंगे सर नौ बचेगा तो बस नौ जीरो यहाँ बीच में बढ़ा दीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये इसका आंसर हो गया बताइए एक बार भी आपने पहाड़ा नहीं पढ़ा इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको बता दूं कि इस तरह से एग्जामिनर आपको पूछता है कुछ ऐसे करके इसीलिए मैं सारी चीजें बेसिक बता रहा हूं कि सारी चीजें बेसिक कंप्लीट होने के बाद मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको जब कराऊं तो एटलीस्ट आप उन सारे क्वेश्चंस को समझ पाए आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस